नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हासी की आवाज से। हासी की आवाज मीडिया पर हम आपको विभिन्न पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज दिखाते रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं मेरी पूरी टीम और एडिटर अजय सैनी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। मीडिया के माध्यम से हम आपको यानी कि ऐसे घोटालों को भी उजागर करते रहते हैं जो शहर के विकास में अवरोध बनते हैं। जब नगर परिषद का नाम लेते हैं तो नगर परिषद हमेशा विवादों के घेरे में नजर आती है। उसमें कोई ना कोई लाइट घोटाला हो या विकास से संबंधित घोटाला हो या खरीद फरोख्त का ऐसी कोई बात आती हो तो कई ऐसे उन पर आरोप लगते हैं। आइए जानते हैं कि एक 9 साल पुराना लगभग 9 साल पुराना एक मामला प्रकाश में आया है जो पीएमओ हाउस तक पहुंच गया है और वहाँ पीएमओ हाउस से बकायदा यानी कि रिमार्क्स होकर चिट्ठी आई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप भुक्कल हमारे साथ हैं जिन्होंने इस घोटाले को उजागर करने का या प्रकाश में लाने का काम किया है और ये उन्हीं से जानते हैं कि ये घोटाला क्या है लाइट खरीद का और क्या पूरा मामला है, तो जरा हमें विस्तार से बताइएगा। कुलदीप भुक्कल जी, हंसी की आवाज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। गणतंत्र की सालगिरह हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस की मना रहा है। आज हम आपसे सीधी बात करेंगे कि नगर परिषद में विभिन्न तरह के घोटाले होते रहते हैं, खरीद फरोख्त के घोटाले होते हैं, लाइट के घोटाले होते हैं, तो किस विषय पे आप प्रकाश बिंदु रहेगा आपका, जरा हमें बताइएगा। सबसे पहले तो पूरे देश की और हांसी की जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं मैं हांसी की आवाज़ की पूरी टीम का जिन्होंने इस मुद्दे को कवर करने के लिए इस कीमती समय जो निकाला है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो 2010 और 11 में मामला था, ये मामला 2010 का है, ये 2010 का है, जाँच 11 में हुई है इसकी। क्या मामला है? ये बिजली की खरीद का घोटाला है, तार या और कोई जो उसमें बिजली की वायर है और कोई सामान है उसकी खरीद का लाखों रुपए का घोटाला हुआ ये, और उस समय किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की थी माननीय डीसी हिसार को, और डीसी हिसार ने उस शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हांसी के जो उस समय गाबा जी SDM थे उनसे जाँच करवाई। तो SDM ने इसमें वहाँ तत्कालीन जो EO थे नगर परिषद में आनंद कुमार जैन और कलरक जो राजेंद्र दुआ और राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे सामान खरीदा गया जिनको फर्जी बिल और बनाकर इसमें लाखों रुपए का जो करोड़ों लाखों का घोटाला किया गया है उनमें इनको दोषी माना, और उसमें की रिपोर्ट भी मेरे पास है जो SDM साहब ने दोषी माना इन तीनों को, उसका पत्र टिप्पणी सहित उपायुक्त को भेजा और उपायुक्त महोदय ने लोकल बॉडी जो अर्बन की लोकल बॉडी है उनके डायरेक्टर को भेजा, लेकिन उपरोक्त जो दोषी हैं इसमें लोग आनंद कुमार जैन राजेंद्र दुआ खासकर इन लोगों ने वहां साठ गांठ करके इस फाइल को बंद करवाने का काम किया। और जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि बहुत सारे घोटाले नगर परिषद हांसी के कर्मचारियों और EO और यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं उनके मिली बक्से होते रहे हैं, एक हफ्ते बाद भी हमें बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है, उसको भी उजागर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री को शिकायत लिखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया और उन्होंने एक लेटर मेरे को भी भेजा है PM कार्यालय की तरफ से, और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी उन्होंने लिखा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करके PM पोर्टल पर भी ये डाला जाए, PM पोर्टल पर भी ये डाला जाए जी, उन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा है, और शिकायतकर्ता जो है इसमें उसको भी इसकी पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करवाई जाए इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष इसमें जांच दोबारा होगी और दोषी अधिकारी जो रहे हैं इस वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। इसमें आप तीन के नाम ले रहे हैं, तत्कालीन EO यानी उनका क्या नाम आनंद कुमार जैन और एक वहाँ लिपिक हैं जो कलर्क हैं नगर परिषद के, ये कलर्क जो राजेंद्र दुआ का आपने उल्लेख किया है ये पहले कहाँ होते थे, कौन से डिपार्टमेंट में होते थे? देखिए, ये फायर विभाग में देश में अग्निशमन में, और अग्निशमन से ये नगर परिषद में बैठा करते थे। अच्छा। अधिकारी इनसे काम लेते थे, इन्होंने जब पूरी प्रक्रिया नगर परिषद की घोटाले कैसे होते हैं लाखों रुपए का गबन कैसे किया जाता जब ये सारी चीजें सीख ली, क्योंकि अग्निशमन विभाग में तो इनको खाने को कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने सारे चीज सीखने के बाद
बड़े अधिकारियों से और स्थानीय विधायक उस समय जो थे उनसे साठगांठ करके इन्होंने नगर परिषद में कैसे आए। हरियाणा के अंदर ये पहला मामला है कि अग्निशमन में से नगर परिषद में आना, ये कैडर चेंज होना, ये कैडर पहली बार चेंज हुआ है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इसको लेके भी हमने प्रधानमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को, अनिल विज को, सभी को पत्र लिख रखे हैं कि इसकी विजिलेंस जांच करवाई जाए और इसकी जो जांच है किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए, क्योंकि नगर परिषद हांसी में पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं और हांसी के जो लोग हैं, हांसी की जनता है, वो कामों के लिए तरसती रही है। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों की ग्रांट आती है नगर परिषद में, करोड़ों से भी बहुत ज्यादा की ग्रांट आती है, अरबों खरबों रुपए आ लिए यहाँ, लेकिन वो कहाँ गए, कौन उनको खा गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और राजेंद्र दुआई कलरक होते हुए उसके पास आज 20 करोड़ की संपत्ति है। मैं तो आपके चैनल दावे से बोलते हैं 20 करोड़ की संपत्ति, बिल्कुल है जी, दावे से मैं बोल रहा हूँ और आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ कि सरकार इसकी पूरी जांच करवाए और इनकम टैक्स और ईडी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, मैंने उनको भी शिकायत की हुई है ताकि वो भी अपनी छापेमारी मार के सारी चीजें रिकवर करे। कलर की सैलरी कितनी होती है? देखिये, कलर की सैलरी गवर्नमेंट इम्प्लॉयज है जो कलर्क है, कार्यरत है, मतलब नहीं 50,000 भी नहीं होती, 30-35,000 रुपए तक उनकी सैलरी होती है, 7वां वेतन लाख के 40 पे पहुंच गई होगी। तो आप बता रहे हैं कि 20 करोड़ की संपत्ति, 2005 के बाद उन्होंने ये सारे घोटाले करने शुरू किए, क्योंकि उनके घर पर बहुत बड़े बड़े मंत्री और राज्यसभा सांसद पीछे आते रहे हैं और उनको बहुत सोने संबंधित चीजें गिफ्ट ये करता रहा है। इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में आई है। यानी कि ये घोटाला क्या, ये नगर परिषद के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा गया था, बिजली का इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा गया था और बड़े उसकी बात तो ये है कि उस समय भी जो विधायक थे विनोद बिहाना थे, अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी और पूरी तरह से शिकायत जो की गई पूरे उसको मतलब विनोद बिहाना ने इनको बचाने का काम किया और आज भी इनकी पोजीशन शहर के लोग और जो देखते हैं विनोद बिहाना के बाद इसकी आती है। नहीं, विनोद बिहाना जी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, देखो नहीं है, तो आप किस बेस पे कहते हैं कि देखिए देखिए विनोद बिहाना जब उस समय विधायक थे तो ये अपने नगर परिषद की ड्यूटी छोड़ के भी उसके कोठी पे रहते थे, पूरी उन्होंने इनकी मदद की है, पूरी तरह से इन्होंने उनकी मदद ली है और उनके बहुत खासों में ये गिने खास। चलो, विनोद बिहाना जी का तो इसमें नाम नहीं है, चलो हम नहीं कह पाते हैं कि विनोद बिहाना जी पे कोई आरोप लगाएंगे इस, यानी पर्टिकुलर इस मामले के अंदर जो प्रकाश में आया है, सवालिया चिन्ह लगे हैं कि ये कलर की संपत्ति इतनी है उसमें, तो ये पोर्टल पे जाएगा? ये देखिए, पीएमओ कार्यालय जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को लिखा है, हमने इसमें पूरा विश्वास है कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे तो विनोद बिहाना ही नहीं बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि पर्टिकुलर, हमें पढ़ के दिखाइएगा कि क्या लिखा है ये जो आपके पीएमओ हाउस से आया? पीएमओ हाउस ने इसमें लिखा है सेवा में मुख्य सचिव हरियाणा चंडीगढ़ की कुलदीप बुक्कल की शिकायत हमें 2 तारीख 2 जनवरी 2020 को प्राप्त हुआ इनका एक पत्र और उसकी अपेक्षा में कार्रवाई करके आपको लिखा जाता है कि याचिकाकर्ता को भी इसका जवाब दिया जाए और इसमें पूरी कार्रवाई करके पीएम पोर्टल पर भी अपलोड करके डाल दी जाए जी। जो आपने यानी विभिन्न कार्यालयों में या किसी चैनल पे आपने ये डाला है गवर्नमेंट के चैनल के ऊपर, तो उसका यानी कि प्रति उत्तर आपके पास आया है जी है, और इसको यानी चीफ सेक्रेटरी को जांच करने के लिए उसकी कमेटी बना दी गई है क्या? देखिए, कल सूत्रों से जो पता हमें चला है, बातचीत हुई है, तो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा इसमें एक कमेटी का गठन भी किया है जो जल्द ही यहाँ पर जांच के लिए भी आएगी। और देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि पिछले 10-10 साल के आरटीआई से जो जानकारी मांगते हैं इनके पास होती नहीं, हो सकता है इन्होंने वो फाइल जड़वा दी हो, गायब करवा दी हो, तो जब जांच होगी, जांच के बाद पूरा मामला पता लगेगा कि लाखों का था, करोड़ों का घोटाला था। एसडीओ ने जो जांच करी उसमें तो लाखों रुपए का ही पता लग रहा है कि लाखों रुपए का घोटाला था। कुछ सीएम विंडो पे भी कोई शिकायतें ऐसे आती हैं कि जिनका निपटान नहीं होता या फिर? देखिए, सीएम विंडो पे भी मैंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन बड़े दुख की बात इसमें ये है कि माननीय मुख्यमंत्री, आपके चैनल से मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि सीएम विंडो पे सुधार करने की जरूरत है। हमने सीएम विंडो पे शिकायत दी नगर परिषद के खिलाफ, भाई नगर परिषद में घोटाले हुए हैं, नगर परिषद के कर्मचारियों ने किए हैं, तो नगर परिषद की शिकायत को सीएम विंडो ने नगर परिषद के जांच के लिए सौंप दिया जी। तो उसमें 2000
15 में मतलब चीफ मिनिस्टर ने इसमें लिखा है साफ साफ कि किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बढ़ती है या उसकी शिकायत आती है तो उससे दो ऊपर के अधिकारी इसमें जांच करें। लेकिन ये स्थिति सुधारने की इसमें बात है सीएम विंडो में कि जिसके खिलाफ हम शिकायत देते हैं उसी के पास वो जांच चली जाती है। अच्छा, मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ कि आप निकट भविष्य में और कोई भी स्कैम या घोटाला का मामला उजागर करने वाले हैं? एक हफ्ते बाद नगर परिषद हांसी के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले हम उजागर करेंगे। नगर परिषद में अभी भी आपको यानी भ्रष्टाचार की भी नजर आती है? आज भी भ्रष्टाचार है। लाखों रुपए सफाई व्यवस्था के नाम पे आते हैं लेकिन सफाई व्यवस्था पूरे शहर में नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? आज नगर परिषद ने जितने भी इनके कर्मचारी हैं सभी का कमीशन है और ये अपने पैसे को सरकार के जनता के जो टैक्स के पैसे उनके विकास के लिए आते हैं। किस दावे से बोल रहे हो कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार? क्या आपके पास प्रूफ है? मेरे पास तो एविडेंस है। क्या क्या एविडेंस है बताइए। देखिए, लाइट घोटाले का तो एविडेंस जो उस समय कालीन जो SDO होते थे उन्होंने जांच करी, उसकी जांच की रिपोर्ट ये क्या है इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों ने बिजली बिल का घोटाला किया और इनको दोषी माना, ये स्पष्ट लिखा हुआ। अच्छा, इनको दोषी माना हुआ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के जो माननीय PMO कार्यालय से चिट्ठी आई है, अगर इसमें अच्छे से जांच होगी तो ये नहीं, बहुत घोटाले सामने आएंगे और बहुत स्थानीय नेता इसमें शामिल मिलेंगे। और क्या घोटाला है? देखिए, जो अमरजीत का ये बहुत बड़ी शॉप है गांधी मार्केट में अम्बेडकर चौक पे, उसकी भी हमने शिकायत की हुई है और उसमें अमरजीत जट इंजन का जो मालिक है उन्होंने नगर परिषद की जमीन को कब्जा कर रखा है। ये कब्जा उन्होंने राजेंद्र दुआ की मिलीभगत से किया हुआ है। ये क्या प्रूफ है आपके पास? हमें एविडेंस से बताइएगा। एविडेंस ये है सर, इसमें हमने इसकी शिकायत की। इसकी शिकायत के पास राजेंद्र दुआ ने इसके जितने भी नोटिस नगर परिषद ने इसके किए तो राजेंद्र दुआ ने बैठ के इसके सारे जवाब बनवाए हैं। हमारे को बुला के यही कहते कि ये जवाब आ गया उसका। दविंद्र गखड़ MP थे जो पहले, वो और राजेंद्र दुआ दोनों ने मिलकर इसके जवाब बनवाए हैं। अभी 3 दिन पहले फिर हम EO से मिले। EO साहब, इसमें आपने क्या कार्रवाई की? EO ने कहा कि हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हुई है इसको गिराने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर EO के पास इतनी पावर है कि इसको सील कर दे, ये गलत दरवाजे और करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाई हुई है उन्होंने। ये आप ऑथेंटिक कह रहे हैं कि EO ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हुई है, ऐसा बोला है? नहीं, EO ने ऐसा बोला है, उसका लेटर भी नेक्स्ट वीक के अंदर हम देंगे और जितने भी नोटिस नगर परिषद हांसी ने इनको किए हैं, इसको जट इंजन वाले को कि इस जमीन को खाली किया जाए, उन नोटिसों को भी हम लेके आएंगे। आज हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट वीक में हम ये भी करेंगे उजागर। और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने कब्जा किया हुआ है। ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं जट इंजन वाले के पास, जबकि नोटिस उनको सर्व नहीं हुए अभी तक। उनको 3 नोटिस जा चुके हैं, उन तीनों नोटिसों का उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। हमारे पास उनकी कॉपी है, कहते हो तो हम आपको कुछ समय बाद उनको दिखा भी देते हैं। तो ये नगर परिषद की वाकई उन्होंने जमीन को गबन किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ। हर नगर परिषद ने तो यहाँ तक लिखा है उनके नोटिस में कि आपने ग्रीन बेल्ट के पौधों को भी उखाड़ दिया। अच्छा जी, तो इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? देखिए, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उन्होंने लाखों रुपए इनसे लिए हैं, वो जमीन करोड़ों रुपए की है। लाखों रुपए लेके उसके दरवाजे साइड करवाए गए हैं और पूरी जमीन पर कब्जा करवाया गया है। इतनी नहीं, आने वाले समय के अंदर राजेंद्र दुआ और जो पहले EO रहे हैं उन्होंने 80 के नगर परिषद की जो जमीन थी कहाँ कहाँ उन्होंने बेची है। बहुत बंदा बहादुर स्कूल का भी एक रास्ता उन्होंने बेच दिया। एविडेंस लेके आएंगे हम सारे और फिर मीडिया में खुलासे करेंगे कि यहाँ इन्होंने इतनी इतनी गज जमीन बेच दी। ये थे कुलदीप भोकर जी, जिन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। एक पर्टिकुलर क्लर्क हैं जो राजेंद्र दुआ जी, जो फायर ब्रिगेड में जिनका लीन हुआ करता था और उन्हें नगर परिषद में ले लिया है, कि भी कहते हैं कि भी यही सब कुछ, यानी कि इन्होंने पिछली दिखाई है 2010 की एविडेंस की और बाकी तो एविडेंसेज ये कहते हैं कि हम लेके आएंगे। और जेट इंजन के मालिक के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये उनको नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और इलीगल उन्होंने नगर परिषद की जमीन पर यानी काबिज होकर अपना पूरा प्रतिष्ठान खड़ा कर लिया है। हम भुक्कल जी से यही कहेंगे कि आप जितनी भी बातें हैं सारे ऑन फ्लोर पे एविडेंसेस के साथ हमारे साथ लेके आए और आपने एक एविडेंस हमें दिखाया है कि वो है यानी PMO हाउस से कार्यालय से जो चीफ सेक्रेटरी के पास चिट्ठी गई है 2010 का, यानी कि नगर परिषद में इलेक्ट्रिकल सामान का यानी कि बिजली के सामान की खरीद का, उसमें घोटाले का और जो पोर्टल पे भी लगाने का, वो हमने आपको दिखाया है। बाकियों के एविडेंसेज हम इनसे मांगेंगे और इसी तरह
यानी कि भ्रष्टाचार, जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस जो है, जीरो करप्शन टॉलरेंस की सरकार के सामने हम इसी तरह के यानी कि कुछ जो मामले प्रकाश में आएंगे किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से या आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से हमारे पास आएंगे तो आप तक पहुँचाने का यानी कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। हमारा यही दायित्व है कि हम कोई भी ऐसी मामला आता है तो आपकी संज्ञान में लाएं किसी न किसी माध्यम से। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत आभार और आप हमारे चैनल पे आए, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, संगीन आरोप भी लगाए हैं, एविडेंसेस के साथ भी लगाए हैं। तो इसी तरह हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। दोस्तों हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर, बटन खुलते ही आपके सामने सारा चीज़ पटाक्षेप हो जाएगा। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की फिर हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सीनियर साथी अजय सैनी के साथ। गणतंत्र दिवस आपके लिए खुशियां लेके आए शहीदों को, नमन। जय हिंद।